हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th के एक टॉपिक सेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे कि सेट क्या होता है और सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। देखिए, लिखा है सेट इज़ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप इस बात को समझिए, सेट को समझने के लिए तीन बातों का समझना बहुत ज़रूरी है। पहला ऑब्जेक्ट। तो देखिए, मैथ में कोई भी थिंग है, पेन है, पेंसिल है, बुक्स है, नंबर्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, इनको एक कंबाइंड तौर पे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। कुछ भी ले लेंगे उसको हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, कलेक्शन। तो कलेक्शन मीन्स, जैसा आप जानते हैं, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फैमिली ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जो कलेक्शन होता है उसका मतलब ग्रुप या फैमिली होता है। अब इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है वह अगर आप सीख जाएंगे तो आप सेट को समझ जाएंगे, और वह है वेल डिफाइंड वर्ड्स। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए आप यह दो सेंटेंस को देखिए। टुडे इज वेरी कोल्ड एंड 2 + 3 = 5। कोई भी सेंटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम प्लेस पर्सन से अगर इंडिपेंडेंट है तो उसको हम लोग कहेंगे वेल डिफाइंड। अब इसको समझते हैं। देखिए, जो पहली बात लिखी गई है वह टाइम पर डिपेंड करती है। इसका सही होना या गलत होना टाइम पर डिपेंड करेगा। क्यों? जुलाई के मंथ में नॉर्थ इंडिया में बहुत गर्मी है, तो यह सेंटेंस गलत है। लेकिन अगर यही 6 महीने बाद जनवरी में या फरवरी में इसी सेंटेंस को हम लोग रीड करेंगे तो कहेंगे सही है। आज फाल्स है, 6 महीने बाद ट्रू हो जाएगा, फिर फाल्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो वैल्यू है वह टाइम पर डिपेंड कर रही है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आज करेक्ट है, 2 + 3 = 5। 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 6 साल बाद करेक्ट होगा। इसका मतलब क्या है, यह टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। चलिए दूसरा फैक्टर चेक करते हैं, प्लेस। यहाँ पे गर्मी है तो यह सेंटेंस रॉन्ग है। लेकिन अगर इसी को हमने मोबाइल में टाइप करके किसी कोल्ड कंट्री में भेज दिया और वहाँ पे कोई आदमी इसको रिसीव करेगा तो कहेगा सही है। मतलब क्या, यहाँ पे गलत है, कहीं पर सही हो जाएगा, कहीं पे फिर गलत हो जाएगा। मतलब ये जो बात है वह प्लेस पर भी डिपेंड कर रही है। लेकिन देखिए, जो दूसरी बात है वह प्लेस से इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे करेक्ट है, किसी और सिटी में, किसी और कंट्री में, किसी और स्टेट में करेक्ट है। इसका मतलब है कि जो पहला सेंटेंस है इसका डिपेंडेंस प्लेस पर है, जबकि दूसरा प्लेस से इंडिपेंडेंट है। अब आते हैं पर्सन पर। देखिए, हमें गर्मी लग रही है तो गलत है। लेकिन एज्यूम करिए कि कोई आदमी हो जिसको कोई डिजीज़ हो, बहुत तेज़ फीवर हो, तो कभी कभी उसको ठंडी रिलाइज होती है उसमें, तो वह कहेगा करेक्ट है, हम कहेंगे इनकरेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू पर्सन पर भी डिपेंड कर रही है। जबकि इस पर आइए, देखिए हम कह रहे हैं ट्रू है, आप भी कहेंगे ट्रू है, कोई अनदर पर्सन भी जान रहा है वो भी कहेगा ट्रू है। इसका मतलब यह टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ कि कोई भी सेंटेंस और क्या कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम प्लेस पर्सन से इंडिपेंडेंट है तो उसको हम लोग कहते हैं वेल डिफाइंड। तो आप, हमें लगता है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि वेल डिफाइंड का मतलब है कि टाइम प्लेस और पर्सन पर वह ऑब्जेक्ट या सेंटेंस डिपेंड ना करे। तो ठीक है, अब इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो हम लोग डिफाइन क्या करेंगे, सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब इस पैमाने पे हम लोग इस एग्जांपल को चेक करते हैं। देखिए, लिखा है द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 इज अ सेट। तो बिल्कुल, यह कलेक्शन किसका है, नंबर्स का। नंबर्स यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या यह वेल डिफाइंड है, बिल्कुल। कहा गया कि जो नेचुरल नंबर है वह 5 से लेस हैं, तो ऑब्वियसली 1, 2, 3 और 4। तो इसका मतलब इस कलेक्शन को हम लोग सेट कहेंगे। दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। लिखा गया द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है, यह सेट नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए रीजन क्या है, जो गुड स्टूडेंट वर्ड है यह वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे हम मैथ के टीचर हैं तो कोई मैथ में ब्रिलियंट है तो कहेंगे गुड स्टूडेंट है। कोई अनदर स्पोर्ट्समैन है तो गेम का कोई बच्चा है जो गेम में अच्छा है तो कहेगा वह गुड है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई गुड की कोई क्राइटेरिया नहीं है। यह गुड होना पर्सन पर डिपेंड कर रहा है या पर्सन की व्यू पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब यह जो कलेक्शन है यह वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए यह सेट
नहीं होगा। ठीक, कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लिखते हैं। जैसे हम कह रहे हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल द नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो आप क्या करेंगे, हिस्ट्री से सर्च कर लेंगे कौन कौन से नॉवेल प्रेमचंद ने लिखा है, कलेक्ट कर लेंगे। हम करेंगे या आप करेंगे या कोई अदर पर्सन करेगा, वो वही नॉवेल रखेगा जो नॉवेल हम लोग चूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सभी नॉवेल को कलेक्ट करना है, इसका मतलब यह वेल डिफाइंड है। बस यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है कि वह नॉवेल प्रेमचंद का होना चाहिए, तो ये जो कलेक्शन होगा वह सेट होगा। लेकिन वहीं अगर देखिए हम यह कह देते द कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटरेस्टिंग ड्रामाज रिटन बाई शेक्सपियर, तो यह सेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? जो इंटरेस्टिंग वर्ड है वह इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा। अगर हम सस्पेंस या थ्रिलर पसंद करते हैं तो हमारी चॉइस कुछ और होगी, कोई ट्रेजेडी पसंद करता है तो उसकी चॉइस कुछ और होगी। इसका मतलब इंटरेस्टिंग वर्ड की वजह से यह जो कलेक्शन है किसका, द कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटरेस्टिंग ड्रामास रिटन बाई शेक्सपियर इज नॉट अ सेट। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट ऑफ योर लोकेलिटी, तो लोकेलिटी के लंबे बच्चों का कलेक्शन, तो देखिए यह सेट नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे जो टाल स्टूडेंट हैं, टाल वर्ड जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, किसी के फैमिली में सभी लोग 4 फीट के हैं तो वहाँ पे 4.5 फीट वाला भी आदमी लंबा है, लेकिन अगर वहीं पे कोई फैमिली है जहाँ पे सभी 6 फीट के हैं, उसके घर में अगर कोई 5.5 फीट का आदमी भी होगा तो वह लंबा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टॉल जो वर्ड है वह वेल डिफाइंड नहीं है। हाँ, अगर यह कह दिया गया होता द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट हुज हाइट मोर देन 5 फीट 10 इंच, तो एक क्राइटेरिया दे दी गई। अब जो इसको क्वालिफाई करेगा वह इस ग्रुप में होगा और क्वालिफाई नहीं करेगा वह इस ग्रुप में नहीं होगा। मतलब जो 5 फीट 10 इंच के एवव होगा वह होगा, बाकी लोग इसमें नहीं होंगे। इसका मतलब यह जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड है और इसलिए यह सेट है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने यह जाना कि सेट क्या है, अब हम लोग यह सीखने वाले हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए मैथ में बात को कहने का फॉर्मल वे होता है, हम ऐसे कह रहे हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 5 इज अ सेट, ठीक है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कोई प्रॉपर टूल्स होने चाहिए ना जिसके थ्रू हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को देखिए दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, पहला जो है रोस्टर फॉर्म, समटाइम्स इसको टेबलर फॉर्म भी कहते हैं, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। अब देखिए जो रोस्टर फॉर्म है वह कैसे लिखते हैं, उसमें तो सेट को लिखने के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं और सेट के जो मेंबर्स हैं उनको इसके अंदर कॉमा से सेपरेट कर देते हैं और नेम के लिए कोई भी अल्फ़ाबेट इसको हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, फिलहाल हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए रोस्टर फॉर्म में हम लोग सेट के एक एक मेंबर को मिडिल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, वन जो है इस सेट का मेंबर है तो उसको सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे, वन बिलोंग्स टू ए। इसको हम लोग यह भी कर सकते वन इज एलिमेंट ऑफ ए, या हम कहें वन इज मेंबर ऑफ ए, या फिर कहें वन इज एंट्री ऑफ ए, लेकिन मोस्ट पॉपुलर है वन इज एलिमेंट ऑफ ए, या फिर हम कहते हैं वन बिलोंग्स टू ए। क्या 7 इस सेट का मेंबर है? तो नहीं, तो कहेंगे 7 डजन बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे देखिए जो रोस्टर फॉर्म है इसमें हम लोग हर एलिमेंट को लिखते हैं। एज्यूम करिए कि कोई ऐसा सेट हो जिसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट हो, जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग ऑफ दिस अर्थ, तो अर्थ पर रहने वाले सभी ह्यूमन बीइंग का कलेक्शन। तो सबसे पहली बात देखिए यह तो सेट है, क्यों? क्राइटेरिया फिक्स है भाई, अगर आप ह्यूमन बीइंग है तो इस सेट के अंदर रहेंगे, नहीं है तो नहीं रहेंगे। कोई अनदर एनिमल जैसे मंकी है या कोई अनदर एनिमल हो वह इस सेट का मेंबर नहीं होगा, हम होंगे, आप होंगे और भी ह्यूमन बीइंग होंगे। समस्या क्या है कि अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो बताइए वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7 अरब के आसपास है, तो 7 अरब लोगों का नाम क्या पेटकली लिख पाना पॉसिबल होगा? तो निसंदेह आपका आंसर नहीं ही होगा। अब यहाँ पे देखिए पॉसिबल तो है, अगर हम लोग डेटा को कलेक्ट करें तो उसको एक जगह रख सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है हम लोग ऐसे उसको लिख पाना पॉसिबल नहीं है। कितना लिखेंगे, 2, 4, 6 एलिमेंट 10 एलिमेंट तक लिख सकते हैं, कोई पैटर्न भी नहीं है कि हम लोग डाट 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 के लिखें। इसका मतलब है कि यहाँ पर यह जो मेथड है वह बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा।
हम लोग रिप्रेजेंट करने में दिक्कत आएगी। तो देखिए मैथ में अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन भी खोजा जाता है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट और टेक्निक को मिला करके एक दूसरा तरीका बनाया गया जिसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इस फॉर्म में देखिए सेट को कर्ली ब्रैकेट में ही लिखते हैं और यहाँ पे जनरल कोई वेरिएबल एक्स लिख देते हैं और जो कंडीशन सेट के मेंबर्स फॉलो करते हैं उस कंडीशन को हम लोग मेंशन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए यक्स एक वेरिएबल है, अगर हम यक्स की जगह लिखते हैं 1 इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5 तो ठीक है, क्वालिफाई करेगा, इसका मतलब यक्स की एक वैल्यू 1 हो सकती है। आप 2 रख करके पढ़ेंगे 2 इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, ठीक है क्वालिफाई कर रहा है। ऐसे 3 और 4 भी यक्स की जगह क्वालिफाई करेंगे। क्या 5 क्वालिफाई करेगा? नहीं, क्यों? 5 इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, ये करेक्ट नहीं है। इसका मतलब है कि इसी बात को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो करते क्या है इस फॉर्म में, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वेरिएबल कोई, जैसे यहाँ पे एक्स ले लिया और जिस कंडीशन को एक्स फॉलो कर रहा है उस कंडीशन को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस फॉर्म को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, चूँकि रूल को ये डिफाइन कर रहा है तो समटाइम्स इसको हम लोग कहेंगे रूल मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये जो सेंटेंस लिखेंगे वह सिंगुलर होगा, क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर टाइम में आप एक्स की एक वैल्यू ही रखें ना भाई, 1 इज नेचुरल नंबर लेस देन 5 या ये कहेंगे 1 आर नेचुरल नंबर लेस देन 5, नहीं ना? तो इसका मतलब यह सेंटेंस हमेशा आप सिंगुलर बनाएंगे। अभी देखिए जो हमने दूसरा एग्जांपल लिया था द कलेक्शन ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग, तो अगर उसको आप लिखना चाह रहे हैं तो जैसे हमने बी लिख दिया एक्स सच दैट एक्स इज अ ह्यूमन बींग। अब देखिए यक्स की जगह हम अपना नाम रखेंगे सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ह्यूमन बीइंग, आप रखेंगे सेटिस्फाई करेगा, लेकिन कोई अनदर एनिमल इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो वह इस सेट का मेंबर नहीं होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि यक्स की कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो ठीक है जितनी वर्ड की पॉपुलेशन है यक्स की उतनी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो देख रहे हैं कि यह जो मेथड है प्रॉपरली वर्क कर रहा है इस तरह की बातों को, इस तरह के सेट को गा पाने के लिए। तो हम लोग टोटेलिटी में या दोनों भी जानते हैं रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिसको समझ लेना बहुत ज़रूरी होगा। सेट में हमेशा हम लोग डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही लिखते हैं, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट लिखते हैं, सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन ये भी जानते रहिएगा कि अगर बाय द वे सेट में एलिमेंट को रिपीट किया गया है तो इसका मतलब नहीं कि वह गलत हो गया, हाँ बस उस एलिमेंट की जो काउंटिंग है वह एक बार ही होगी। मतलब आप दो बार तीन बार भी लिखे हैं तो काउंटिंग कितनी बार करेंगे? एक बार। तो भाई जब हमको काउंटिंग एक बार ही करनी है तो क्यों ना हम लोग डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही लिखें, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए यह है कि सेट में एलिमेंट को जब लिखते हैं तो ऑर्डर को मेंटेन करना ज़रूरी नहीं है, ठीक। हाँ, लेकिन एक बात यह भी है जब लिखना ही है तो ऑर्डर में लिखें, ऑर्डर में हम लोग अपनी सुविधा के लिए लिखते हैं, लेकिन यह जानते रहिए कि सेट में एलिमेंट को ऑर्डर में लिखना, एक सीक्वेंस वाइज लिखना ज़रूरी नहीं है। कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग समझ जाते हैं यहाँ पर। देखिए कुछ पर्टिकुलर सेट होते हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल अल्फ़ाबेट यहाँ पर प्रोवाइड हम लोग करते हैं। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर है उसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसको हम लोग यन से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स उनको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ होल नंबर डब्ल्यू से, और सेट ऑफ इंटीजर्स जेड आर आई से। तो ये कुछ स्पेसिफिक सेट हैं जिनको एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से हम लोग दिखाते हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली आगे यूज होते हैं। अब यहाँ पे देखिए जितनी बातें हमने बताई हैं उस बेसिस पर हम लोग प्रिपेयर हैं किसी भी कलेक्शन को यह आइडेंटिफाई करने के लिए कि वह जो कलेक्शन है वह सेट है या नहीं है। देखिए पढ़ाई में हमेशा इस बात को ध्यान देखिए, मैथ जो है एक डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप बिना कॉन्सेप्ट और बिना टेक्निक के कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो इसलिए किसी भी डेफिनेशन एनालिसिस बहुत ज़रूरी है।
सेट की डेफिनेशंस आप पढ़े होंगे, देख रहे हैं, लेकिन जो दो तीन पॉइंट्स हमने बताए, कलेक्शन, ऑब्जेक्ट्स और वेल डिफाइंड, अगर इसको लेकर के क्लियरिटी है तो निसंदेह आप किसी भी कलेक्शन को यह पहचानने की स्थिति में हो जाएंगे कि वह सेट है या नहीं है। अदरवाइज अगर आप देखिए कॉन्सेप्ट नहीं है और आप डेफिनेशन को लेकर के क्लियर नहीं है, तो हो सकता है कि आप 100 क्वेश्चन किसी बुक के रटे रटाए लगा लें, लेकिन 101वां क्वेश्चन जो होगा अगर वह नया है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए चीज़ों को जानना, समझना और उसकी एनालिसिस करना यह बहुत ज़रूरी है। तो आज जो बातें हम लोग सीखे हैं उसके बेसिस पे हम सेट को पहचानने की स्थिति में आ गए, सेट क्या है, और उसके बाद हमने बताया सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सीखा कि सेट क्या है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक लास्ट में बहुत इम्पोर्टेंट बात, जो मैंने यह इनिशिएटिव लिया है मैथ्स का ही चैनल शुरू करने का, इसका ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक हम पहुँच पाएँ, बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट और टेक्निक उनको प्रोवाइड करा पाएँ। चूँकि ये कदम बहुत छोटा सा है लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है, तो निसंदेह आपकी कोऑपरेशन की ज़रूरत होगी। इसलिए आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को सजेस्ट करिए कि वह इस चैनल से जुड़ें। मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।